बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन पैकेज जो अनाउंस हुआ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डिस्कस नहीं कर सका। लेकिन आज डिटेल में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में क्या चीजें हैं और कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इसको अडॉप्ट करके इससे फायदा उठा चुकी है पास्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जैसा कि आप लोगों के सामने डॉन न्यूज का आर्टिकल ओपन है जिसमें मैंने पूरा रीड करने के बाद इससे पॉइंट्स निकाले हैं। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उन लोगों को मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में ऐसा क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए वो फायदामंद हो सकता है या नहीं हो सकता, और कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता है कि 17 अप्रैल को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीएम ने खुद अनाउंस किया था ये कंस्ट्रक्शन पैकेज। अब इसमें क्या चीजें हैं ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप लोग अपनी ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो ये आप लोग ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। अब इन आर्टिकल का जो टाइटल है वो आप लोग देख सकते हैं, एन इन्वेस्टर्स गाइड टू द कंस्ट्रक्शन बूम। अब ये इन्वेस्टर के लिए गाइड है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ है उसके बारे में इन्होंने, काफी बड़ा आर्टिकल है, मैंने डिटेल में पढ़ा है, फिर उसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्टिकल लाजमी पढ़िए। अगर आप लोग सीमेंट सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को जरूर इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। तो एंड पे मैं बताऊंगा कि पास में कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज जो अनाउंस सिमिलर पैकेज अनाउंस करके फायदा उठा चुकी है, जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट अडॉप्ट करके चाह रही है कि इस कोरोना वायरस की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें अडॉप्ट करके फायदा उठा सके। तो 17 अप्रैल को ये अनाउंस हुआ है। फिर इसका पर्पस था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुक गई थी, बिजनेस काफ़ी सारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट आ रही हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस स्मूथली नहीं चल रहा। तो ये कंस्ट्रक्शन पैकेज वाइज ऐसा है कि जिसमें कोरोना वायरस इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे होते, अलग अलग होकर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पर्पस था। फिर उसके बाद इससे एक जो कंट्री फायदा उठा चुकी थी वो एक पास्ट का रिकॉर्ड था इनके पास, तो इन्होंने ये वाला एक स्टेप लिया है, कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया। अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, कराची में एनुअली 1 लाख फ्लैट्स बनते हैं जिससे 360,000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनके घर चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा पर्पस था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, उससे पहले भी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और इससे 23 जो क्लेम कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, 23-80 इंडस्ट्रीज इसकी वजह से चलेंगी। इट्स मीन के कनेक्टेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के आइटम्स इसमें यूज होंगे, लकड़ी के आइटम्स यूज होंगे, सीमेंट यूज होगा, ईंटें यूज होंगी, इस तरह की जो कैरिज के लिए गाड़ियां यूज होंगी। तो इस तरह से 23-80 इंडस्ट्रीज हैं जो इसकी वजह से चलेंगी, जो इससे कनेक्टेड हैं, और इसके वजह से चलने से इनको भी फायदा होगा और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन है, काफी सारे लोगों को नहीं पता कि इसमें कौन से इन्वेस्टर्स फायदा उठा सकते हैं और कौन से फायदा नहीं उठा सकते। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है प्रोजेक्ट्स को जो स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टर, एक न्यू प्रोजेक्ट्स में और एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में। न्यू प्रोजेक्ट्स मीन के जो 31 दिसंबर 2020 से पहले FBR में रजिस्टर्ड होके वो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है अगर वो FBR में 31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड है। ये दोनों आप लोगों को बता दिया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू है या एग्जिस्टिंग है, ये खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 सितंबर 2022 को, ये खत्म हो जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि काफी सारा इस पर क्रिटिसिज्म भी आया कि जो
न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स मीन के जो अभी स्टार्ट होते हैं या आने वाले टाइम में स्टार्ट होते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट को 30 सितंबर 2020 तक शायद कंप्लीट ना कर सकें, क्योंकि बहुत कम टाइम है, 2.5 ईयर्स बहुत कम टाइम है एक बड़े प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक कंस्ट्रेंट आ रही थी, एक मुश्किल आ रही थी, तो उसको ख़त्म किया। एक अगेन अमेंडमेंट आई है, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया ऑर्डिनेंस अनाउंस किया, जिसमें इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसको काफ़ी सारे प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ेगा, एनओसी नहीं लेने पड़ेगी अथॉरिटी से। लेट्स सपोज आप अगर लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एलडीए से अप्रूवल लेनी पड़ती है, इस्लामाबाद में कर रहे हैं तो आप लोगों को सीडीए से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वो अप्रूवल्स आप लोग न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए माफ़ कर दिए। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने तो पहले अप्रूवल्स ली होंगी, उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया होगा। तो ये एक जो मुश्किल आ रही थी जिसमें काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो जाता है, ये एक टाइम को बचाने के लिए कि जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और एम्प्लॉयमेंट निकले, तो ये एक उन्होंने पॉइंट अनाउंस किया था। इस जो दोबारा ऑर्डिनेंस आया था इसमें एक रिलीफ मिला था न्यू प्रोजेक्ट्स को। फिर इन्वेस्टर के लिए मैं ये बताता हूँ कि जो इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए समझना भी जरूरी है कि रिकमेंडेशन कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, बिकॉज के अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसने किसी रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ली हुई, ऑल्दो अभी तो एनओसी की छूट मिली हुई है इस ऑर्डिनेंस की वजह से, लेकिन फ्यूचर में क्या पता 3-4 सालों बाद ये हो के दोबारा गवर्नमेंट कहे कि आप लोग उसकी अप्रूवल लें, तो अप्रूवल वो ना ले सकें तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। तो आप अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें ये आप लोगों को फ़ायदा है कि ऑलरेडी वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो लोग सीडीए से, एलडीए से या रेलिवेंट अथॉरिटी से अपनी अप्रूवल्स ले चुके हैं, आप लोगों को फ्यूचर में नुकसान होने का या मुश्किल में जाने का चांसेस बहुत कम है। तो फिर उसके बाद जो सेक्शन 111 आई है ये इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे बड़े बिग फिशेस इस सेक्शन की एग्जेम्पशन पे वेट कर रहे थे, वो इस आर्टिकल में भी मेंशन है, आप लोग ये पढ़ें इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये डिस्क्राइब भी करता हूँ कि इसमें ये होता था पहले कि आप अगर इन्वेस्ट करते थे, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे, तो एफबीआर आप लोगों से पूछता था कि ये पैसा जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा कहाँ से आप लोग लेके आए हैं। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, अब मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उसमें ये है कि जितने भी आप जितना भी इस पे पैसा लगाएं, सोर्सेज ऑफ इनकम आपसे एफबीआर नहीं पूछ सकता नए प्रोजेक्ट से, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जितना भी पैसा लगाएगा उनको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बताना पड़ेगा, लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं बताना पड़ेगा। ये जैसे कि आप लोग अगर नजर आ रहा है आप लोगों को एग्जेम्पशन, तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए यस है और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नो है। फिर ये आप लोग इनके जो एनालिस्ट हैं इनके अगर कमेंट्स पढ़ेंगे आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर उसके बाद जो लैंड एक्वायर करनी होती है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, अब लैंड एक्वायर करने के लिए ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले लैंड एक्वायर हो जानी चाहिए, बैंक अकाउंट के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू और चेक के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए उस जो भी लैंड एक्वायर होगी। तो छोटा इन्वेस्टर तो शायद वो रिलाय कर रहा होता है, शायद वो ले किसी बायर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से इकट्ठे पैसे करके, तो वो उसके बाद वो लैंड के पैसे देता है, लेकिन इसमें इन्होंने रखा है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले लैंड एक्वायर हो जानी चाहिए और क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक नॉमिनल सा फिक्स टैक्स रखा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो चला रहे होंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें एक नॉमिनल फिक्स टैक्स रखा हुआ है, तो वो बिल्डर्स को देना पड़ेगा। रियल इस्टेट कंपनीज जो इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं, इस ऑर्डिनेंस को यूज़ कर रही हैं, तो उनको एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप लोग नया पाकिस्तान या एहसास प्रोग्राम के थ्रू लो कॉस्ट हाउसिंग यानी कि सस्ते घर बेचेंगे फ्यूचर में, तो आप लोगों को 90% तक, ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 90% तक रिलीफ मिल सकता है इस फिक्स टैक्स में, और काफ़ी सारी उनकी सेविंग हो सकती है अगर वो लो कॉस्ट हाउसिंग में जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक मजीद चीज़ है और वो आम लोगों के लिए
बहुत एक खुशखबरी समझ लें आप लोग, क्योंकि पहले जो चीज़ें मैं बता रहा था वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दे रही थी, छोटे इन्वेस्टर को बिल्कुल भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अरबों रुपया या एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, ऑब्वियसली आप अगर कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को करोड़ों अरबों रुपया पड़ चाहिए होता है, तो वो पाकिस्तानी में बहुत कम लोग हैं जिन लोगों के पास है, तो वो एक छोटे से तबके को ये पिछला, ये जो मैं आप लोगों को ऑर्डिनेंस बता रहा था, फायदा दे रहा था। अब इसमें इस ऑर्डिनेंस में एक जो चीज है मजीद, वो आप लोगों में से किसी को फायदा दे सकती है, जिसका ये है कि अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने एक घर लिया है 10 लाख का और लेट्स सपोज आप सेल करते हैं उसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो वो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, वो 12 लाख 15 लाख पे सेल होता है, तो वो जो कैपिटल गेन है 2 लाख 5 लाख का, तो उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स, अभी जो रिलीफ मिला है इसमें क्राइटेरिया ये है कि लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास 500 स्क्वायर यार्ड्स का एक घर है वो आप सेल करते हैं और आप लोगों के पास 4 साल से ज्यादा अरसे तक वो आपके पास घर है, तो आप लोगों को सीजीडी नहीं देना पड़ेगा, इट्स मीन के कैपिटल गेन टैक्स आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा जितना भी वो बनता हो। फिर उसके बाद फ्लैट्स का ये क्राइटेरिया है कि 4,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई फ्लैट है और आप लोगों के पास 4 सालों से ज्यादा अरसा हो गया आप लोगों के पास है, तो आप लोगों के पास आप लोगों को कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर भी देना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो समझ लगती है कि कैपिटल गेन टैक्स से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगी या इससे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी, लेकिन एक रिलीफ दिया गया ओवरऑल के लोगों को कि वो अपनी सेल परचेज अगर उन्होंने करनी है जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी हो सकती है, कि ये प्लस पॉइंट हो सकता है इससे, उसके अलावा इस कैपिटल गेन टैक्स का कोई ओवरऑल इस तरह का फायदा नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पास्ट में कौन सी ऐसी कंट्री है जो इससे फायदा ले चुकी है, वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे फायदा ले चुकी है। एक दफा ऐसा हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन में चली गई थी यूएस की इकॉनमी, बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, तो उस टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल हाउसिंग एक्ट 1934 का, जिसके अंदर सिमिलर चीज़ें हैं जिस तरह से ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो पीएम इमरान खान ने ये जो चीज़ें या पीटीआई गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ें अनाउंस की हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज में, सेम यही चीज़ें थी जो यूएस ने अडॉप्ट किया था एक इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, तो उसको सिमिलरली पाकिस्तान ने भी उसको अडॉप्ट किया, और यही होप कर रहे हैं कि ये इसकी वजह से काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और पाकिस्तान में ये जो कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। तो उस टाइम जब यूएस ने ये अडॉप्ट किया था और फॉर्चुनेटली उनको उस टाइम उससे काफ़ी सारा फायदा हुआ था, उन्होंने अपनी इकॉनमी को ऊपर उठाया था, तो पाकिस्तान का भी यही पर्पज़ है। और फर्स्ट डे से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, अगर आप लोगों ने इनके इंटरव्यू सुने हैं या आप लोग फॉलो करते हैं न्यूज़ के, तो अक्सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि इससे 40 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम उठाते हैं तो इससे 40 इंडस्ट्रीज उठाने होंगी, तो ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और पैसा सर्कुलेट करेगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा, काफी सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक अच्छी नीयत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि इस सेक्टर को उठा के फायदा लिया जाए, इकॉनमी को ऊपर लेके जाया जाए, तो हम लोग भी होपफुल है एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों को भी होपफुल होना चाहिए कि हम इस ऑर्डिनेंस से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएंगे, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे होंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक अच्छा टाइम आएगा। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से तो मुश्किल हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, तो अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ओवरऑल अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि पाकिस्तान में छोटे इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक उनको ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिला इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जिसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर्स में शायद मुश्किल से ही आ सके, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर इससे ज्यादा फायदा ले के 40 अगर इंडस्ट्रीज इससे चल जाती हैं, तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये सबसे बेस्ट सेक्टर है उठाने के लिए। और दूसरी चीज जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली जिस टाइम ये सेक्टर चलेगा तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, तो स्टॉक एक्सचेंज जो सेंटीमेंट्स पे चलती है तो वो भी उठाने हो सकती है, जब लोग देखेंगे कि इस सेक्टर में काफी सारा बूम आ रहा है, तो ये सेक्टर जो सीमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, जो इससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो ऊपर उठाने होंगे। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कोशिश की है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और मैं ये जो लिंक है आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।